टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। सबको उम्मीद थी कि लगातार बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे रिंकू सिंह को डेफिनेटली भारतीय टीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन जब भारतीय स्क्वाड सामने आया ना तो हर कोई एकदम चौंक गया। युवा बल्लेबाज को 15 सदस्यीय मुख्य टीम में शामिल ही नहीं किया गया, उन्हें आगामी टूर्नामेंट के लिए रिजर्व खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम के साथ जोड़ा गया है। बट सिलेक्टर्स ने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं खिलाया रिंकू सिंह को? इसका जवाब दिया अजीत अगरकर और रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो क्या क्या कहा वो होगा इस वीडियो में, तो लेट्स स्टार्ट। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज की कहानी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने मीडिया के सारे सवालों के जवाब दिए, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि रिंकू सिंह को आखिर मेन टीम में जगह क्यों नहीं मिली। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने बताया कि जब रिंकू का सिलेक्शन नहीं हुआ था तो फिर रोहित शर्मा ने क्या किया। उस पे जाएं उससे पहले आपको बताएं कि चयनकर्ताओं के इस बड़े फैसले के बाद देश के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी दो हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं। एक साइड वो लोग जो मानते हैं कि रिंकू सिंह को मुख्य टीम में शामिल किया जाना चाहिए था, एंड दूसरी साइड वो पूर्व खिलाड़ी जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं सिलेक्टर्स ने एकदम सही फैसला लिया है, रिंकू के लिए जगह नहीं थी। वेल, क्रिकेट के कॉरिडोर्स में ये उठा पटक तो चल रही है, लेकिन सुरेश रैना, यस हमारे फॉर्मर चिन्ना तलय, या यूं कहूं कि इंडिया टीम के होनहार बल्लेबाज सुरेश रैना ने एक बड़ा खुलासा किया है। यस, क्या कहा सुरेश रैना ने? तो फॉर्मर क्रिकेटर ने यह बताया कि जब रिंकू सिंह का सिलेक्शन नहीं हुआ तो इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने उन्हें कॉल किया। इस दौरान उन्होंने ये रीजन भी बताया कि क्यों आने वाले इस ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में वो टीम में शामिल नहीं हुए हैं। इस बीच उन्होंने युवा बल्लेबाज को मतलब सांत्वना भी दी, थोड़ा बकअप किया, मोटिवेट किया कि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहें। रैना ने कहा कि मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि रोहित शर्मा ने रिंकू सिंह को कॉल किया और टीम में नहीं शामिल किए जाने के पीछे का कारण बताया। ऐसा होना चाहिए, अगर किसी खिलाड़ी को आप टीम में नहीं शामिल करते हैं तो उसके पीछे का कारण बताना जाना चाहिए। कल IPL 2024 में रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटाकर मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंप दी, और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल तो उठना ही था। तो सवाल पूछा गया जिस पे रोहित ने जवाब दिया कि मैं कप्तान था, फिर कप्तान नहीं रहा और अब कप्तान हूं। ये जीवन का हिस्सा है, सब कुछ आपके अनुसार नहीं होगा। ये एक शानदार अनुभव रहा है अपने जीवन में, मैं पहले भी कप्तान नहीं था और अलग अलग कप्तानों के अंडर में खेला हूं, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा वही करने की कोशिश करता हूं जो एक खिलाड़ी के तौर पर जरूरी है, और मैंने पिछले एक महीने में ऐसा करने की कोशिश की है। इस पर अजीत अगरकर ने भी कहा कि देखो, रोहित शर्मा एक शानदार कप्तान रहे हैं। 50 ओवर के वर्ल्ड कप और इस T20 वर्ल्ड कप के बीच 6 महीने के दौरान हमें कुछ डिसीजंस लेने थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे पता है कि हार्दिक ने कुछ सीरीज में नेतृत्व किया है, लेकिन रोहित शानदार रहे हैं, नो डाउट। मैं भी अगरकर से अग्री तो करता हूं भाई, रोहित शर्मा हैज बीन इम्पेकेबल, यस एज फार एज कैप्टनिंग द साइड इज कंसर्न्ड। ऑलराइट, सो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये था कि बॉस KL राहुल, जो पिछले दो T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का स्क्वाड का हिस्सा थे, उन्हें इस बार जगह नहीं मिली। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब KL राहुल के ऊपर ये सवाल पूछा गया कि आखिर उन्हें क्यों वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली, तो इस पर अगरकर ने कहा, KL राहुल एक शानदार खिलाड़ी हैं, हम मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर्स पर विचार कर रहे हैं। KL टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं जबकि ऋषभ पंत 5वें नंबर पर खेलते हैं। संजू सैमसन भी नीचे खेलने की काबिलियत रखते हैं, तो इसका मतलब नीचे नहीं खिला सकते थे KL राहुल को, इसीलिए अजीत अगरकर ने जो है डिसाइड किया कि खिलाते ही नहीं है। वाओ, एनीवे नाउ इट वॉज टाइम टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, बोले तो रिंकू सिंह क्यों नहीं हुए वो टीम में सिलेक्ट। तो इस पे क्या जवाब दिया, तो भाई साहब, तो IPL में धूम मचाने वाले रिंकू सिंह को ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया है, उन्हें 15 सदस्यीय टीम में जगह नहीं मिली। इस पर रोहित शर्मा ने कहा, मुझे लगता है कि ये उनकी माने कि रिंकू की गलती नहीं है, वो अभी हमारे साथ ट्रैवल करने जा रहे हैं, मुझे पता है कि ये उनके लिए थोड़ा कठिन है, मुझे लगता है कि टीम संतुलन के कारण वो चूक गए। हम एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाना चाहते थे, मैं टीम में 4 स्पिनर्स खिलाना चाहता था, मैं इसका कारण यहां नहीं बताऊंगा, मैं आपको US में बताऊंगा। इंटरेस्टिंग, तो यानी इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ तो पेसर्स के साथ गए और अमेरिका में हुआ तो स्पिनर्स के साथ। इंटरेस्टिंग कॉल रोहित शर्मा। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या, यस ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को टीम में चुने जाने को लेकर
जब सवाल उठे कि क्यों भाई फॉर्म में भी तो नहीं है फिर भी वाइस कैप्टन, तो अगरकर ने कहा जब तक वो फिट और उपलब्ध हैं हम हमेशा हार्दिक पांड्या को टीम में चाहते थे, इसमें कभी कोई संदेह नहीं था। तो बॉस, सिलेक्टर्स ने और टीम कैप्टन ने तो पूरा पूरा भरोसा दिखा दिया है हार्दिक पांड्या पर। और तो हार्दिक अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ बल्ले से परफॉर्म करते हैं, लेकिन गेंदबाजी में तो भाई जो मार खा रहे हैं। मैं तो बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि बॉस हार्दिक यहां पे जितना अपना खराब फॉर्म है निकाल दो आईपीएल में, पर वर्ल्ड कप में जब आना ना तो भाई वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला फॉर्म लेकर आना, याद है ना? याद तो मुझे भी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हार्दिक पांड्या इंडिया के लिए रॉक करेंगे एंड रोहित हिटमैन शर्मा की कैप्टनसी में ये टीम आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप T20I 2024 अपने नाम करेगी। इस वीडियो को यही एंड करूंगा। तो ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, मे यू विन द टूर्नामेंट, मे यू विन द ट्रॉफी और हमारे ये ट्रॉफी ड्राउट फाइनली एंड हो जाए, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। मजा आया तो शेयर करना, लाइक करना, गुस्सा हो तो कमेंट करना और कुछ सजेशन है तो वो भी कमेंट में बता देना, मैं सब पढ़ता हूं। सो अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।